सारा कुछ बना रहे हैं और साथ ही साथ और एक आपको आने वाले दिनों में बिग सरप्राइज देने वाला हूँ, वो सरप्राइज आने वाले दिनों में ही बताऊंगा। ओ पकड़ लिया। वापस छूट ना जावे ना भाई, ऊपर छोड़ दो थे। रात के 11 बजने वाले हैं, तू करण की आया सी यार। ए, गंदे बच्चे मारे गया। हल्का सा लाल लाल रहे। उरे काटा था ये। ओए ओए हमारी रूटीन है, 10 बजे सो जाते हैं। लेकिन मैं आज वैसे ही उठा हुआ था, मोबाइल चला रहा था, ना हूँ भाई भी अंदर आया, अम्मी के भाई है तो काट गया था और गुम हो गया था। फिर अम्मी की नजर पड़ गई जाई भाई। हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शामी व्लॉग्स। तो गाइस आपने रात वाला सीन देख लिया था, अब तो चूहे भी भाई काटना शुरू कर दिया उन्होंने भी। अब खैर सुबह हो गई है, अम्मी को काटा था, दर्द तो हुआ था, लेकिन अब चलते हैं मंडी। जाजू भाई ऑलरेडी गए हुए हैं, सामान कुछ ज़्यादा हो गया तो उठा लूँगा। फिलहाल चलते हैं जल्दी से जाजू भाई को ढूंढते हैं मंडी जा के। अरे फाइनली जाजू भाई ना वो भाई दोनों मिल चुके हैं। हेलो, मेरे आने का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, इस सबसे भारी सामान तो मैंने उठा रखे हैं, नाऊ भाई ने, देखो भाई। ओ वाह भाई वाह, नाऊ भाई, ओ नाऊ भाई, सुनते हो कि लोग बना के सारा सामान हमें पकड़ा देगा। वाह वाह वाह, मुझे ये नहीं पता था कि नाऊ भाई भी गए हुए, नहीं तो मैंने आना ही नहीं था। इधर बन रहा है जी नाश्ता, हाथ नहीं लगाऊंगा, गरम है, गर्मा गर्म परोठे। हाय भाई। आज गाइस नाऊं भाई का जो बाथरूम है उसका काम फाइनल हो जाएगा, प्लम्बर का काम। ए जी बबलू सेठ, पानी आ गया, पंखा तो हल्का कर दो, आवाज ही नहीं आनी मेरी तो। बबलू भाई सलाम हो गया। देखो जी बाथरूम का काम तो हो गया फाइनल आपका भाई भी, ये रहा शीशा शुशा शावर बेसन सारा कुछ लग गया, टाइलें उसी दिन लग गई थी, A1 हो गया A1। अब इसमें रह गया सिर्फ कलर, कलर हो जाएगा उसके बाद तो फाइनल ही हो जाएगा, और कलर तो होगा बाद में, सीलिंग वाले आएंगे अभी तो 2-3 दिन तक, फिर सीलिंग लगेगी और उसके बाद फिर कलर शुरू हो जाएगा। बड़ा काम पड़ा है अभी तो, गाड़ रहा तो 8 इंच तल्ले पैप छुड़वा रहे हो भी बबलू सेठ। सही है, ये नहीं लगा, नहीं लगती इतनी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ, इसके अंदर काट लेना, ये तो ब्रेक है। पहुंच गया, अल्लाह हाफिज, हो गया ना सारा, देख लिए कोई कसर ना रह जाए। अभी गए सारे जा चुके हैं और फर्श की हमने चेकिंग भी कर ली है, कल नया फर्श बना था VIP। और हिले भाई और हिले तू, एक तो कैमरे नू मौत पाएगी साढ़े, और ये भी चेक हो गया, बाकी अभी पानी मार देता हूँ ताकि ये और पक्का हो जाए। पानी शानी गाइस मार दिया, और एक और बात बता दूँ, इधर जो गीज़र था वो उधर लगवा दिया ताकि इधर साफ़ सुथरा काम हो जाए भाई, आउटडोर भी उधर लग गया था और ऊपर वेंटिलेशन भी खुल गया, सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया। और एक आपको आने वाले दिनों में बिग सरप्राइज देने वाला हूँ, वो सरप्राइज आने वाले दिनों में ही बताऊंगा। और वो किधर होगा सरप्राइज, वो इस कमरे में होगा। बाप सोच रहे होंगे इधर क्या होगा भाई, इधर तो स्टोर बनेगा, लेकिन नहीं, इधर कुछ सरप्राइज आपके लिए रखा हुआ है। अभी नीचे चलते हैं और बाद में आपको आने वाले दिनों में ही बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा सुन के मुझे तो, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए, मैंने पापा को भी कह रखा है, हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या तू भी ऐश कर कभी इधर, चक्कर काट रहे कभी उधर। रोटी कितनी पकेंगी? 7-8 तो खिला लो। आज मिस्त्री साहब भी जनाब छुट्टी करके बैठ गए, एक दिन से ऊपर मुश्किल ही काम होगा उनका, सिर्फ एक दिन का काम रह गया थोड़ा सा, और छुट्टी करके बैठ गए, पता नहीं कहीं और उन्होंने काम जाना था, एक दिन लगाते काम खत्म हो जाता, लेकिन आए नहीं है। ठीक है, ये आप यहां भी डाउन ना वैसे ही वैसे ही है। अच्छा ठीक है, इतने पट्टी लाते प्ले बंद हो गई। हां और समझ, अच्छा रे इसको वायरिंग नहीं कराई ना, पक्के रडार लाए। घर गाइस सीलिंग वाले आए हुए थे, वो अभी खड़े ही थे तो माजिद मुझे लेने आ गए। क्या हाल है माजिद? ठीक अल्लाह का शुक्र, इसे थोड़ा काम था बाजार तो ये मुझे लेके जा रहा था, अभी घर से निकले ही थे और मोटरसाइकिल पंचर हो गया, अभी पंचर लग रहा है, उधर मशीन के अंदर ट्यूब डाली हुई है, ये मोटरसाइकिल खड़ा है, जैसे ही अब पंचर लगता है उसके बाद चलते हैं काम पे। क्या काम है?
बुक्शुक लेनी है थोड़ी सी। खाने में आया गाइस आज आलू पालक साथ रोटी और इधर जूस भी है भाई, जूस तो बाद में पियेंगे, खैर अभी रोटी खाते हैं। ठीक है तो गाइस मामू ने सर्विस कर दी और भाई क्या सर्विस की है, अब तो हाई तरीन टेक्नोलॉजी आ गया, ऊपर एसी अभी टंगा पड़ा था, सारी सर्विस भी कर दी और A1 कर दी मशीन दी, हाई लेवल की है मामू, मज़ा आ गया सर्विस देख के, आना ही था मज़ा था। मज़े ले हो ठंडी हवाओं पे जी। और अगर आपने भी सर्विस करवानी हो भाई, एक ही जितने पैसे हैं जो बाकी करते हैं, लेकिन ये दिल मुतमईन हो जाता है, हाई लेवल की भाई टेक्नोलॉजी है, सारी मशीनरी है। तो दुकान का थोड़ा एड्रेस बता दो यार, ट्रेड सेंटर में। ट्रेड सेंटर न्यू कौन सी मस्जिद है भला? न्यू अलहमद मार्केट अल हक मस्जिद, हाँ अशातुल कुरान मदरसे की बारी, बिल्कुल साथ ही है न्यू मार्केट जो बनी, हाँ ठीक है मामू, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। लो जी अब हम भी चलते हैं अंदर, मिस्त्री साहब इधर खाना वगैरह खा रहे हैं, अगला दिन भी आ गया पता ही नहीं चला काम शाम में, अभी एसी की हवा लेते हैं अंदर जाके। गाइज आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आपको व्लॉग देख के मज़ा आया होगा, मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइज किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा। और हाँ सच आज सीलिंग वाले भी आए हुए हैं नाऊ भाई के कमरे में, डिज़ाइन वगैरह वो सारा कुछ बना रहे हैं, और साथ ही साथ स्टोर भी हमारा रंग हो रहा है, उसके अंदर हम सारा सामान भर देंगे, उसके बाद सारा कुछ क्लियर होता जाएगा, ऐसा ऐसा सब साफ सुथरा हो जाएगा। Bye bye.